सो हेलो गाइस, सिनेमा वार के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है, जहां हमको डीसी से लेके मार्वल तक और हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड की बिग न्यूज प्रोवाइड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं डीसी की अपडेट से। तो डीसी की इस वीक की पहली अपडेट है सुपरमैन मूवी से। सुपरमैन मूवी की शूटिंग एक बिहाइंड द सीन की एक इमेज रिलीज हुई है, जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट भी सुपरमैन मूवी से ही है, जो कि कास्टिंग अपडेट है। वेंडल पियर्स को कास्ट किया गया है डेली प्लैनेट एडिटर चीफ पेरी व्हाइट के लिए। इस वीक की लास्ट अपडेट है डीसी की तरफ से पीसमेकर से। जेनिफर हॉलैंड, जो पीसमेकर में एमिलिया हारकॉट का रोल प्ले किया है, उनसे किसी फैन ने इंस्टाग्राम पे पूछ लिया कि पीसमेकर का सेकंड सीजन आ रहा है क्या। तो जेनिफर ने कहा, जी बिल्कुल, पीसमेकर का सेकंड सीजन भी आ रहा है और इसकी शूटिंग समर में स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं मार्वल के अपडेट्स पे। तो इस वीक की फर्स्ट अपडेट है मैडम वेब मूवी से। डकोटा जॉनसन ने कहा है कि उन्होंने मैडम वेब मूवी इसलिए साइन की थी क्योंकि उनको बताया गया था कि मैडम वेब मूवी एमसीयू का पार्ट होगी, और फिर उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर वो कभी भी ऐसे मूवीज में काम नहीं करेगी। अब जैसे एक्टर्स को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही फकअप चीज बनाई है, वैसे स्टूडियो को ये बात रियलाइज हो जाए बस। नेक्स्ट अपडेट है क्रिस एवांस से। तो क्रिस एवांस ने रिसेंटली में बताया कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर उनकी फेवरेट मार्वल मूवी है। बाकी आपकी कौन सी फेवरेट मार्वल मूवी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है एक्समैन 97 से। एक्समैन 97 के जो एपिसोड्स आने वाले हैं, मार्वल ने उस एपिसोड्स का टाइटल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिनको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये सीरीज 20 मार्च को रिलीज होगी, यानी इस सीरीज को हम इंडिया में 21 मार्च को देख पाएंगे। वैसे क्या आप इस सीरीज को देखेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इस वीक की लास्ट मार्वल अपडेट है डेडपूल 3 से। डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा है कि डेडपूल 3 अभी तक की मार्वल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी होने वाली है, और मुझे लगता है ये होगा भी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है और आप कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लेके, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं हॉलीवुड अपडेट्स पे। तो इस वीक की फर्स्ट अपडेट है हॉलीवुड की तरफ से ड्यून मूवी से। ड्यून के डायरेक्टर डेनिस विलेनेव ने अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने टीनेज में ही ड्यून की स्टोरी बोर्ड लिखा था। डेनिस विलेनेव का टीनेज में ही ड्यून मूवी बनानी थी और उन्होंने बना ली, और आप उनका डायरेक्शन देख ही सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या डून मूवी को कोई और डायरेक्टर बना सकता है, और अगर है तो कौन हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट ब्लेड रनर 2049 मूवी से है। डेनिस विलेन्यू ने कहा कि ब्लेड रनर 2049 मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था उनके लिए। मेरी मानो तो ब्लेड रनर 2049 वन ऑफ द बेस्ट साईफाई मूवी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है इनवेंसिबल सीजन 2। इसके पार्ट 2 से इनवेंसिबल सीरीज में कॉमिक से कुछ चेंजेस किया है, फेदर इंप्रूव। नेक्स्ट अपडेट है अवतार द लास्ट एयरबेंडर से। अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज का सेकेंड और थर्ड सीजन, जो कि इसका लास्ट सीजन होगा, नेटफ्लिक्स वालों ने इसको ग्रीन लाइट दे दी है। बाकी अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है और आपको अगर मेरे रिव्यू देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट अपडेट है कुंफू फांडा 4 से। कुंफू फांडा 4 मूवी को सबसे लोवेस्ट स्कोर मिला है पहले की कुंफू फांडा मूवी के मुकाबले। इसको बस अभी तक 69% मिला है क्रिटिक स्कोर में, लेकिन ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आई है और इसको 86% ऑडियंस स्कोर मिला है। बाकी अभी इंडिया में ये मूवी रिलीज नहीं हुई है, 15 मार्च को ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट है कुंफू फांडा 4 मूवी से ही। कुंफू फांडा 4 के को राइटर ने कहा है वो की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके आगे का पार्ट आएगा, मतलब हमको उसका 5th पार्ट भी देखने मिलेगा। इस वीक की नेक्स्ट और लास्ट हॉलीवुड अपडेट है ओपेनहाइमर मूवी से। एस्टिमेटेड है ओपेनहाइमर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए $72 मिलियन मिले हैं क्रिस्टोफर नोलन को, जिस वजह से क्रिस्टोफर नोलन सबसे हाईएस्ट पेड डायरेक्टर बन जाते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड अपडेट्स पे। तो इस वीक की फर्स्ट अपडेट है योद्धा मूवी से। योद्धा मूवी ने BGMI के साथ कोलैबोरेशन करके एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें आप सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हनुमान मूवी से। हनुमान मूवी को 16 मार्च को कलर्स सिनीप्लेक्स और जियो सिनेमा पर रिलीज कर दिया जाएगा हिंदी डब में। नेक्स्ट अपडेट है प्रेम की शादी मूवी से। तो सूरज भरजातिया, जिन्होंने सलमान खान के साथ बहुत सारे फैमिली मूवीज बनाई है, वो सलमान खान के साथ प्रेम की शादी मूवी बनाने वाले थे, बट सलमान खान ने ये मूवी छोड़ दी है और अब इस मूवी को लेके शाहिद कपूर से बात चल रही है। नेक्स्ट अपडेट है धनुष की अपकमिंग मूवी से। धनुष ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने अपकमिंग मूवी का पोस्टर
रिलीज किया है जिसको आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका नाम है कुबेरा। नेक्स्ट अपडेट है कल्कि 2898 AD से। तो प्रभास की अपकमिंग मूवी कल्कि 2898 AD का न्यू पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें आप प्रभास के कैरेक्टर का नाम देख सकते हैं जो कि भैरवा है। नेक्स्ट और इस वीक की लास्ट बॉलीवुड अपडेट है मस्ती 4 से। तो मस्ती 4 मूवी बना रहे हैं, वो भी ओरिजिनल मस्ती के कास्ट के साथ। तो ये थे इस वीक की सभी बिग अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सिनेमा वार के लेटेस्ट एपिसोड को मिस ना करें। सोशल मीडिया हैंडल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फॉलो कर लेना। सिनेमा वार का इस वीक का एपिसोड यही खत्म होता है, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।